वहीं दुर्गा पूजा के लिए काशी पूरी तरह से मिनी कोलकाता में तब्दील हो चुकी है। काशी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हजारों पंडाल लगाए जा चुके हैं, तो वहीं दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें, अग्निशमन विभाग की मानी जाए तो जिले में सिर्फ 76 पूजा पंडालों को अग्निशमन विभाग की ओर से NOC जारी किया गया है। वहीं महादेव की नगरी में माँ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, पिछले वर्ष वाराणसी से लगभग 93 ऐसे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे पंडाल से, जिनकी अनुमति जो है फायर विभाग द्वारा दी गई थी। इस वर्ष अभी तक जो प्राप्त आवेदन है उसके अनुसार अभी 76 ही आवेदन हमारे पास आए हैं जिनकी अनुमति दी है। हम लोग एहतियातन के तौर पे क्या करते हैं कि हमारे क्षेत्र बटे हुए हैं, जैसे जो भी फायर स्टेशन है उसका एक अपना ज्यूरिसडिक्शन है, तो जैसे चेतगंज है, वेलूपुर है, पिंडरा जो मेन फंक्शनल, बाकी तो मंदिर वाला है। तो ये जो तीन फायर स्टेशन है और एक कोतवाली भी है, ये चारों फायर स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो जब भी आवेदन आता तो जा करके एक बार साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट करके वहाँ के जो आयोजक हैं उनसे वार्ता करते हैं, उनको जो भी सुरक्षा निर्देश हैं, जैसे जो घटना हुई थी भदोही में उसमें जैसे एस्केप वगैरह का भी इशू था, एस्केप रूट्स नहीं थे, तो हम लोग ये सुझाव देते हैं कि हमेशा कम से कम मिनिमम दो, एक एंट्री और एक एग्जिट का रहे जिससे कि आदमी निकल सके।